हाँ तो नेटवर्क का थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, मतलब ट्रू है। आप बिजनेस टू बिजनेस क्या मतलब समझते हो? जब एक जो ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कि जैसे अभी हम लोग ने बात की सप्लायर और जो है जो कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उधर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो कैसा ट्रांजेक्शन है? बी टू बी। तो बिल्कुल ये सही है, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ए, ऑप्शन ए 1994। ओके आगे बढ़ते हैं। विच इज द अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स EDI, ठीक है, EDI ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आप बाइंग सेलिंग तो करते हो, लेकिन वो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क पे आप नहीं करते हो वो, मतलब हर जगह आप कर सकते हो, वो केवल आप वहीं पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो वो जो बाइंग और सेलिंग है वो जो भी नेट डिजिटली होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट, ई कॉमर्स कंसिस्ट, अभी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बी टू बी, बी टू ई, बी टू जी, बी टू सी, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू जनरल पब्लिक, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, बी टू सी है, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर बी टू सी ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए बी सी तीनों की बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है बी टू सी। चाहे फ्लावर्स की बात करो, क्लोथ्स की बात करो, या एयरलाइन रिजर्वेशन की बात करो, हर जगह ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव, मतलब नन ऑफ द अबव होना चाहिए यहाँ पर, मैंने मतलब कि ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी टू सी, सी टू सी यानी कस्टमर टू कस्टमर, कोई बता सकता है इसको? सी टू सी यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ईबे, अमेजॉन, टेंटेलिक.com, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो चाहे हर यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह आप का जो भी ट्रांजेक्शन है वो सी टू सी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कंपनीज यूज नेटवर्क टू ऑटोमेट एम्प्लॉय रिलेटेड कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय रिलेटेड की मैं ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर जो वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो बी टू ई में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, बी टू ई। ओके, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूजर रीचेस टू दिस पेज व्हेन दे नो स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, होम पेज, ठीक है, होम पेज। ये भी थी, ये भी आसान से था। नेक्स्ट, यूट्यूब कैन हेल्प टू इम्प्रूव, ये कोई बता सकता है इसका आंसर? कोई दे सकता है? यहाँ पर देखिए दिया गया है, यूट्यूब कैन हेल्प टू इम्प्रूव SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बोथ, नन ऑफ दीज। बहुत होगा बोथ होगा? कैसे बोथ होगा? होगा सर, कैसे बोथ होगा? कैसे बोथ होगा? सर SEM होगा, SEM कैसे SEM होगा? होगा सर। सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा, YouTube की हेल्प से आप SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर कर सकते सकते हैं सर। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उधर विजिट करें? अरे बताया तो गया, वीडियोस की हेल्प से आप बिल्कुल SEO। हाँ, नहीं समझ में आया, वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, SEM, SEM बोलना नहीं सही होगा, SEM तो नहीं हो सकता ना। SEM का क्या मतलब है? आप जो है सर्च इंजन को आप पे कर रहे हो
और उनसे बोल रहे हो प्रमोशन करने के लिए, गूगल याहू ये जो सर्च इंजन है इनको आप पे कर रहे हो, तो इसमें यूट्यूब का क्या रोल है? ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं एसईओ की तो बिल्कुल वो पॉसिबल है, आप उधर रैंकिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हो। कैसे? आपने वीडियोस आप अपलोड करके उधर अपना यूआरएल आप उससे अटैच करके आप बिल्कुल अपने जो है विजिटर्स को बढ़ा सकते हो और उनको उस लिंक को आप अपनी वेबसाइट पे भी दिखा सकते हो वीडियोस को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी हाँ बिल्कुल बताओ सर। बिल्कुल बताओ क्या सर, लेकिन पेड प्रमोशंस जो होते हैं सर थ्रू एडवर्टाइजमेंट सर यूट्यूब पे सर, वो क्या सर्च इंजन मार्केटिंग में नहीं आएगा? नहीं, सर्च इंजन मार्केटिंग में कैसे आएगा सर? अच्छा देखो, यूट्यूब को आप जो है सर्च इंजन और सोशल मीडिया दोनों के बीच की कड़ी है, मतलब वो दोनों चीजें आप मान सकते हो। तो इस तरह से अगर देखो तो हाँ बिल्कुल, वहां पर आप पेड एडवर्टीजमेंट वगैरह तो दे सकते हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से उसको सर्च इंजन भी नहीं बोल सकते और पूरी तरीके से आप उसको सोशल मीडिया भी नहीं बोल सकते, वो दोनों चीजों का काम करता है यूट्यूब। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इस तरह से अगर इस एंगल से देखा जाए तो हाँ बोथ भी करेक्ट हो सकता है। अगर इस तरह से देखा जाए, अगर आप यूट्यूब को केवल सर्च इंजन मान के चलो तो फिर आप जो है बोथ कर सकते हो, लेकिन लेकिन आप के उस सर्च इंजन यूट्यूब को केवल सर्च इंजन पूरी तरीके से नहीं माना जाता। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच कि भाई वो सोशल मीडिया है कि वो सर्च इंजन है। ठीक है, तो वो दोनों चीजों पे चलता है, कोई बहुत सारे लोग उसको सोशल मीडिया मानते हैं, बहुत सारे लोग उसको सर्च इंजन भी मानते हैं। तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर मुझे लगता है एसईओ होना चाहिए, सर्च इंजन। वो तो बिल्कुल मतलब वो तो तय है कि भाई एसईओ में आपको रैंकिंग तो इम्प्रूव करके देगा यूट्यूब, वो तो पक्की बात है सर। लेकिन एसईओ तो एक ऑर्गेनिक वो है ना स्ट्रेटेजी। हाँ, और सर YouTube में तो सर ऑर्गेनिक के अलावा पेड भी हो जाती है। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी है तो यहाँ पर आप जो है SEO में क्या करते हैं, आप अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं ना, कि आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी रैंकिंग इम्प्रूव हो जिससे कि रिजल्ट में वो पहले शो हो। तो उसके लिए क्या काम करना होता है, ऑन पेज ऑफ पेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑफ पेज मतलब कि जो भी दूसरे जो भी सोशल मीडिया है या भी यूट्यूब है, यहाँ पर आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हो और उधर अपना लिंक को अटैच कर रहे हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी साइट को विजिट कर रहे हो और आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अगर अगर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया, ठीक है, और इस तरह से अपलोड किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें और उसको अटैच कर दिया अपनी वेबसाइट से या और जो सोशल मीडिया के पेजेस है और उधर अपना लिंक उधर अटैच कर दिया, तो लोग विजिट करेंगे ना मेरी वेबसाइट पे, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे। अगर ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरी रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है और फिर वो अगर कोई कीवर्ड के थ्रू अगर सर्च करेगा सर्च इंजन पर जाकर, तो मेरी वेबसाइट की लिंक उधर शो होगी, उधर रिजल्ट में आएगी पहले, अगर रैंकिंग मेरी उधर बेटर होगी दूसरों से। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं जिससे जिसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं और कंटेंट। ठीक है, अगर मुझे सपोज अपनी वेबसाइट पे वीडियोस वगैरह डालने हैं तो मैं यूट्यूब की हेल्प से मैं वीडियोस भी उधर डाल सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो कंटेंट पर भी वो काम कर रहा है यूट्यूब, फिर उसके बाद वो जो है मेरे वेबसाइट पे नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज कर रहा है, तो ये सारी चीजें काम कर रही है मेरी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इधर काम करती है, कीवर्ड्स, आपके वेबसाइट का कंटेंट, दूसरी वेबसाइट को आप किस तरह से ऑफ पेज जो होता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वहां पर आप यूट्यूब को इंक्लूड कर सकते हो। ऑफ पेज मतलब जो दूसरे पेजेस पे आप जाकर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो कैसे, आप वेबसाइट यूट्यूब या दूसरा जो भी नेटवर्क है सोशल मीडिया है, उधर अपने पेज अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंपनी के बारे में, वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं और उधर अपने लिंक को अटैच कर दिया कि भाई जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उधर विजिट कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, जैसे मैंने कई बार बताया है, तीन तरह से, कीवर्ड्स डेंसिटी क्या है आपकी वेबसाइट की, ठीक है, ऑन साइट मतलब आपकी वेबसाइट का कंटेंट, और ऑफ साइट मतलब दूसरी वेबसाइट पे आप कितना लिंक आप कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट से। ठीक है, तीनों चीजें काम करती है ना, तो इस तरह से देखा जाए तो
YouTube बिल्कुल हेल्पफुल है SEO के लिए, अब वो रैंकिंग बिल्कुल इम्प्रूव कर सकता है। अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम? अच्छा ये कौन बताएगा URL? ये तो पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, करेक्ट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, करेक्ट। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, करेक्ट। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। SEO इज अ प्रोसेस टू अचीव टॉप रैंक ऑन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो आसान सा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपीसी एंड SEO? पीपीसी और SEO में डिफरेंस क्या है? सो फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, अच्छा, SEO जनरेट्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक व्हाइल पीपीसी इज यूज्ड फॉर ब्रांडिंग। अच्छा, पीपीसी इज यूज्ड फॉर ब्रांडिंग, और SEO में आप ब्रांडिंग नहीं करते। और एस ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो SEO फॉल्स अंडर SEM एंड पीपीसी इज पार्ट ऑफ एनालिटिक्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ऑप्शन सी, सर सी होगा शायद। पीपीसी इज यूजली फास्टर, SEO सक्सेस सस्टेन्स बेटर लॉन्ग टर्म, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। अगर मैं पीपीसी की बात करूँ तो वो जो है वहां पर आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। पीपीसी का मतलब समझ रहे हो, पे पर क्लिक, मतलब कि आपने पे किया और वो आपके एड डिस्प्ले होने लगे और तुरंत आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। लेकिन जो है SEO में ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें 2-3 महीने का टाइम लगता है रैंकिंग इम्प्रूव करने के। ए कैसे होगा यहाँ पर, क्या SEO जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है यहाँ तक तो सही है बात, वाइल पीपीसी यूज फॉर ब्रांडिंग, केवल ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो भी एक हो सकता है कि ब्रांडिंग के लिए करते तो हैं, लेकिन केवल आप उसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ वो तो ऑर्गेनिक के लिए, ये ब्रांडिंग के लिए। तो क्या SEO को ब्रांडिंग के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, इस तरह से नहीं बोल सकते आप। ठीक है, लास्ट में पीपीसी हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन डोमेन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, इज वन ऑफ द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट, लिंक्डइन। ठीक है, सोचना नहीं है इसके बारे में कुछ, आगे चलते हैं। वेबसाइट फंक्शंस विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक सेकंड, वेबसाइट फंक्शंस विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैविंग फ्री रिपोर्ट सर्विस योर कंपनी प्रोवाइड्स, कैप्चरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ विजिटर्स। ठीक है, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ईमेल एड्रेस, जो विजिटर्स हैं उनके ईमेल एड्रेस उसको मिल जाए, जिससे कि वो आगे उसको फिर जो भी आगे उसको प्रमोशन है, जो प्रमोशन एक्टिविटीज है उसको कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि अगर मैं सपोज कोई विजिटर हूँ, मैं गया कोई वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन लेने एक्सेस करने, अगर मेरा कोई इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के पास नहीं होगी तो आगे वो मुझे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, तो वो चीजें इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट, The best way to make money while you sleep, good marketing ideas by dreaming, selling stuff. C option. Option C, having product. हाँ, correct. Having product on your website. मतलब उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे अगर आपका प्रोडक्ट है तो वो बिकता रहेगा। ठीक है, कुछ उसको करना नहीं है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। The best way to improve search engine ranking is with, हाँ, अभी यहाँ पर मतलब ये सारे तरीके जो हैं वो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के हैं, चाहे ऑप्शन ए हो वीडियो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे हैविंग एटलीस्ट 500 वर्ड ऑन द पेज। ठीक है, कंटेंट की बात करें कम से कम 500 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ये भी सही है SEO के लिए। और चौथी चीज क्या है, लॉट ऑफ ग्राफिक्स पर पेज। सारी चीजें होनी तो चाहिए, मगर इसमें बेस्ट मतलब अच्छा, सबसे अच्छा तरीका, सबसे जो इफेक्टिव जो तरीका है वो कौन सा है? ब्लॉग। ठीक है, वीडियोस, ठीक है वीडियोस, या फिर मैं टेक्स्ट की बात करूँ या ग्राफिक्स की बात करूँ, ठीक है ये भी अपना काम करते हैं, कंटेंट भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कीवर्ड्स होता तो शायद वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता, लेकिन अगर यहाँ पर क्या है ऑप्शन है ब्लॉग, तो ठीक है ब्लॉग इन सबसे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों से वहां पर एक सोशल प्लेटफॉर्म है,
वहाँ पे लोग आते हैं, बात करते हैं, जो भी चाहे वो आपका ब्लॉग हो चाहे वो दूसरे को ब्लॉग हो, ठीक है, दोनों तरीके से आप ब्लॉग पर काम कर सकते हो। एक जहाँ पे आपका अपना ब्लॉग है जहाँ आप अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो और वहाँ पर लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ हो सकती है दूसरे जो भी ब्लॉग है आपकी कंपनी से रिलेटेड, वहाँ पर आप अपने फीडबैक या अपने जो भी कमेंट है वो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ और जैसे ही आप अपना कमेंट करते हो आपने साथ में अपना URL अपना लिंक अटैच कर दिया, तो उस तरह से आप अपना रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी ब्लॉग। नेक्स्ट, व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, बताइए व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्रिएटिंग कंटेंट विच इजली क्रिएट पब्लिकली वाया सोशल नेटवर्क्स, राइटिंग क्लियर कंटेंट, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए तो मुझे अभी तक सही लगा था, ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं सही है, क्लियर कंटेंट कोई मतलब नहीं, क्रिएटिंग शॉर्ट कंटेंट विच इज इजली इंडेक्स्ड, नहीं ये भी उतना करेक्ट नहीं है, हायरिंग पीपल टू क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल नेटवर्क्स, नहीं। तो मुझे मतलब चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा सही नहीं लगे, लेकिन ऑप्शन ए सबसे ज्यादा सही लगा, तो इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ, क्रिएटिंग कंटेंट विच इजली क्रिएट पब्लिसिटी वाया सोशल नेटवर्क, ठीक है। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात मतलब है कि जो है आप आसानी से सर्च आपको किया जा सके, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आसानी से आप तक पहुँचा जा सके, कितने आसानी तक आप पहुँच सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक आप पहुँच सको, वही बता रहे, तो ऑप्शन ए ज्यादा करेक्ट है यहाँ पे इस तरह से अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी, बहुत ही आसान है, कौन बताएगा। ईमेल बिल्कुल है, सोशल, प्रिंट एडवर्ट बिल्कुल सही है, प्रिंट एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो इधर नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एन एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज्ड इन विच एडवर्टाइजर्स पे देयर होस्ट ओनली व्हेन देयर स्पॉन्सर्ड एड और लिंक इज क्लिक्ड इज कॉल्ड, कब पे कर, जब कब हमें तब पे करना होता है जब हम पे पर क्लिक, पे पर पीपीसी, करेक्ट, इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट डिस्क्राइब द यूज ऑफ सोशल वेब एंड सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ब्लॉग, विकीज और एनी ऑनलाइन कोलेबोरेटिव टेक्नोलॉजी फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज बट इट सेल्स पब्लिक रिलेशन रिसर्च, कौन सा सही है। कौन बताया, ये तो बहुत आसान है, इज ए फॉर्म, अरे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन मुझे एक ही तो ऑप्शन सी दिख रहा है जहाँ सोशल मीडिया की बात कर रहे, पेपर क्लिक नहीं हो सकता, डिजिटल असेट ऑप्टिमाइजेशन नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं, जब सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म है तो ऑप्शन सी सोशल मीडिया मार्केटिंग, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर होता है उसको भी ध्यान दिया करिए। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग कोई बता सकता है, व्हाट इज माइक्रो ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स विच आर पोस्टेड बाय कंपनीज नॉट इंडिविजुअल्स, ब्लॉग्स विथ लिमिटेड इंडिविजुअल पोस्ट लिमिटेड बाय कैरेक्टर काउंट टिपिकली, ठीक है वही है यही ऑप्शन बी, जहां पर बहुत ज्यादा जैसे अगर इंडिविजुअल ब्लॉग कोई इंडिविजुअल या पर्सनल ब्लॉग्स की बात करें वहां बहुत ज्यादा हम लोग बहुत पोस्ट नहीं करते, बहुत लिमिटेड लिखते हैं, बहुत लिमिटेड लोग वहां पर होते हैं देखने के लिए, उसको उसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड फॉर बीइंग लिंक्ड विद अदर पर्सन ऑन लिंक्डइन, ये भी आसान है, क्या होगा लिंक्डइन पर क्यों, मतलब आप कैसे आप लोगों को दूसरों से जुड़ सकते हो, फॉलोअर्स होते हैं नहीं, कनेक्शंस, करेक्ट ऑप्शन बी कनेक्शंस। व्हाट इज द टर्म अडॉप्टेड अपडेट्स बाय द ट्विटर यूजर्स, ट्वीट्स, ऑप्शन ए ट्वीट्स। नेक्स्ट, व्हाई is Facebook is most well-rounded social networking marketing space, why is
Facebook is most well-rounded social networking marketing space. It has been around the longest. It does not cost any money. It allow for video short post, share post होगा. Long post, अच्छा ठीक है, short post, long post, articles, pictures, all aspects of other sites. It allow for pictures. नहीं, यहाँ पे option B ज़्यादा सही लग रहा है. It does not cost any money. ठीक है, आपको कुछ पैसे वहाँ pay करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए लोग ज़्यादा वहाँ पे जुड़े रहते हैं क्योंकि आपको कुछ वहाँ pay नहीं करना है बस. ठीक है, और इतने सारे लोग जुड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो है वहां पे कुछ पे नहीं करना है, वो ज्यादा सही है. नेक्स्ट, दिस अटेम्प्ट टू इम्प्रूव रैंकिंग. हाँ बताओ. बताओ. सैटरडे की अटेंडेंस, हम लोग मतलब प्लेसमेंट के लिए गए थे तो वो अटेंडेंस रह गई थी. अच्छा, सैटरडे तो यार मैंने अटेंडेंस लगा दी है शायद. ये कम्युनिकेट क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? फिर सर क्लास आप कैसे बताते इस वजह से होने का, सर कई बच्चे गए थे. अरे कैसे क्या बताते, एक मैसेज कर दिया होता पता चल जाता मुझे, और कैसे बताते. मैसेज ही तो करना था, एक मैसेज कर दिया होता. ये सारी चीजें देखो, अभी क्योंकि तुम लोग की प्लेसमेंट एक्टिविटीज अभी होने वाली हैं, होंगी अभी आप लोग जो है मतलब कि थर्ड सेमेस्टर खत्म है, फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचने वाले हो, तो अभी तो प्लेसमेंट एक्टिविटीज होंगी और बहुत रेगुलर. सर मीटिंग टाइम लेस देन अ मिनट है इसलिए हम बोल दिया. कैसे लगेगा सर? अब देखो ऐसे लगेगा, कॉलेज जाके मुझे देखना पड़ेगा और क्या. अब वो जब मैंने मेरी तरफ से तो वो चली गई अटेंडेंस, तो अभी उधर से चेंज कराना पड़ेगा, तो वो आप लोग कॉलेज में जब रहूंगा तो मैं ग्रुप में एक बार लिख दे हम लोग नाम अपना. ग्रुप में नहीं करने की जरूरत है, ग्रुप में करने से क्या मतलब है. तो आपको पता कैसे चलेगा कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा ज्यादा स्टूडेंट्स हैं क्या? कितने सर? अराउंड 12 टू इसके लिए देखो आप लोग के जो स्टूडेंट को ठीक है मैसेज कर देना, लेकिन